हेलो गाइस, पिछले लेक्चर में हमने बेसिक्स देखे थे पॉलीनोमियल के। आज हम लोग समझने वाले एक चीज़ जिसका नाम है फंक्शन। बेटा फंक्शन ना कई स्कूल लोग अच्छे समझाते नहीं क्या होता है। अगेन मैं आपको इस लेवल का समझाऊंगा कि आपको जितना काम है 9th में एंड मे बी 10th में भी उतना आपको समझ में आ जाए। जब आप 11th 12th में आओगे तो फंक्शंस के बारे में बहुत चीज़ें और पढ़ने वाले हो, बट अपन 9th 10th के हिसाब से काम चलो चीज़ें पढ़ लेंगे। तो बेसिकली फंक्शन को ना आप एक काम करो, एक फैक्ट्री समझ लो, कोई एक रैंडम फैक्ट्री। अब बेटा फैक्ट्री में क्या होता है, मशीन होती है अंदर, अपन कुछ फिर इनपुट में डालते हैं, हमें कुछ आउटपुट में मिलना शुरू जाता है। मशीनरी जो रहती है उसमें चीज़ें प्रोसेस होती है, अपन जो इनपुट डाले वो प्रोसेस होगा, कुछ कुछ होगा उसके अंदर, उससे अपने को मतलब नहीं है। फिर एक आउटपुट आना शुरू होता है। अब अगर आपकी मशीन प्रॉपर चल रही है तो आप जो एक ही इनपुट डालोगे हमेशा आउटपुट एक ही आने वाला है, आप कुछ और इनपुट डालोगे तो आउटपुट भी कुछ और आने वाला है। तो फंक्शन भी एग्जैक्टली एक मशीन ही है। तो अब देखो, समझ लो मैं फंक्शन बता रहा हूं, तो ये क्या हो गया, मेरा फैक्ट्री हो गया, इसके अंदर मेरी कोई मशीन लगी हुई है। अब मशीन का ब्लूप्रिंट होता है ना, तो ब्लूप्रिंट रख रहा हूं मैं, मान लीजिए ब्लूप्रिंट है 2x² + 5x + 3। अब देखो यहां पे अननोन क्या है, एक्स वेरिएबल एक्स है, तो मैं जो इनपुट डालूंगा वो वेरिएबल की जगह लगेगा। तो मान लीजिए मैंने इनपुट डाल दिया 1, ठीक है, अब आउटपुट क्या आएगा, अब हर वेरिएबल की जगह पे मैं 1 लिखना शुरू कर दूंगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए 2, ये एक्स जगह पे 1 लिखा है, 2 × 1² + 5 × 1 + 3, जिसकी वैल्यू क्या, 2 × 1² 2 ही हुआ, +5 + 3 = 10। तो अगर मैंने इनपुट डाला है 1 तो मेरा आउटपुट आ जाएगा क्या, 10। वैसे अगर इनपुट मान लो मैंने 0 डाल दिया, सर 0 इनपुट डाल सकते हैं क्या, बेटा कुछ भी डाल सकते हो। तो ठीक है, तो देखिए तब क्या आ जाएगा, 2 × हर देखो एक्स की जगह पे 0 डाल रहा हूँ मैं, 2 × 0² + 5 × 0 + 3, तो 0 + 0 + 3 = 3 हो जाएगा। सर नेगेटिव नंबर अलाउड है क्या, बिल्कुल अलाउड है, डाल दो कुछ, -3 डाल दिया मे बी मैंने। तो देखिए अब 2 × -3² + 5 × -3 + 3। अब बेटा देखो पहले -3 का स्क्वायर, एक्सपोनेंट को कभी भी पहले सॉल्व करना, आप लोगों ने बचपन में रूल सीखा रहता है ना, क्या बॉर्ड मास, बेटा वो एक्चुअली बॉर्ड मास नहीं रहता है, वो बेड मास रहता है, ब्रैकेट एक्सपोनेंट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम लोग एक्सपोनेंट को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो -3 का स्क्वायर, तो -3 × -3 हो गया +9, साइन का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कहते हैं -15 + 3, ये हो गया 18 − 15 + 3, यानी ये हो गया 6, तो सर आउटपुट आ गया 6। समझ में आ रहा है, वैसे आप फ्रैक्शन भी डाल सकते हो, सर इरेशनल नंबर डाल सकते हैं क्या, बिल्कुल, चलो अब √2 डालते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। तो देखो 2 × √2² + 5 × √2 + 3, तो देखो 2 √2² कितना होता है, सर √2² हो जाता है हमारा 2 + 5√2 + 3, तो 4 + 5√2 + 3, तो 4 और 3 ऐड हो जाएगा 7 + 5√2, तो आंसर आ गया 7 + 5√2। तो अगर आप देखो आपकी जो फैक्ट्री है यानी जो फंक्शन है, इसमें आप अलग अलग इनपुट डाल रहे हो, अलग अलग आउटपुट आ रहा है आप लोगों का, एग्जैक्टली यही काम होता है हमारे फंक्शन का जैसा फैक्ट्री का। तो अब देखो, अब अपने फंक्शन का, सॉरी फैक्ट्री का नाम होता है, वैसे हम लोग फंक्शन का भी कुछ भी नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने फंक्शन का नाम रख दिया एफ, आप चाहते हो जी भी रख सकते हो, बस इसके आगे ना आपको ब्रैकेट में वो लिखना पड़ता है जो आपका वेरिएबल है। जब आपका वेरिएबल एक्स था तो आपको एफ ब्रैकेट में एक्स लिखना पड़ेगा, इसे पढ़ा जाता है एफ ऑफ एक्स जैसा। सर नहीं सर, मेरे तो फंक्शन में ना वेरिएबल मान लीजिए वाई है, यानी सर ये क्या हो गया 2y² + 5y + 3, तो फंक्शन का नाम अगर एफ ही है तो अंदर बस ब्रैकेट में एफ ऑफ वाई लिखूंगा मैं। सर एक और फंक्शन बना के दिखाओ, कुछ और फंक्शन बना लेते हैं अपन लोग, मान लीजिए फंक्शन बना लिया मैंने क्या, कुछ टी के वेरिएबल बना ले, ठीक है सर 2t² - 5, बस इतना ही है, हमने ये बना लिया। अब नाम क्या रखना है, फंक्शन में कुछ भी नाम रख दो, मे बी मैंने नाम रख दिया पी, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा वेरिएबल टी। अब इनपुट जो डालना है आप डालो, मे बी मैंने इनपुट डाला 0, तो देखिए आउटपुट आ रहा है मेरा -5, इनपुट डाला मैंने 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 × 2 हो गया 200 − 5 = 195। बेटा अलग 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 आप इनपुट डाल सकते हो उससे आउटपुट आएगा। तो बेसिकली अब मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है वो मैं समझाता हूँ आपको, आपको कुछ ऐसा लिखा जाएगा
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² + 5x + 3। ये ऐसे आपको फंक्शन लिखा जाएगा, आपको ये सारा फैक्ट्री वैक्ट्री बना के नहीं देने वाला, जो मैं बना के दिखा रहा था आपको वो तो सिर्फ एक फिजिकल सेंस समझाने के लिए था। आपको ये ऐसा फंक्शन लिखा हुआ आएगा, फिर अगर आपको मान लो आप इनपुट डालते हो 2, तो आप ऐसा लिखोगे एफ और ये ब्रैकेट में 2, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अब ये जो वेरिएबल था x उसकी वैल्यू अब मैं 2 डालने वाला हूँ। तो ये फिर हम हर x जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर सॉल्व होगा 2 × 4 + 10 + 3, मतलब 8 + 10 + 3 = कितना, 21। तो बेसिकली एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। नहीं सर हमें ये नहीं करना है, हमें कोई और फंक्शन बताओ, कुछ भी रैंडम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम क्या रखना है, जी रखना है, ठीक है जी। वेरिएबल क्या रखना है, वाई रखना है, तो जी ऑफ वाई। अब फंक्शन क्या है, समथिंग 5y + 3, सिंपल बेबी वाला रख देते हैं, ठीक है आप बोल रहे तो बेबी वाला रख लेते हैं। अब इनपुट क्या डालना है, अगर इनपुट डालना है आपको मान लो 0, तो आपके पास जी ब्रैकेट में 0, तो हर वाई की जगह पर 0 डालूंगा, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। नहीं सर मुझे इनपुट डालना है -1, कि जी ऑफ -1, तो ये क्या जाएगा 5 × -1 + 3, मतलब -5 + 3 = -2। सर कुछ भी डाल सकते हो बेटा, समझा ये बेसिक सा। तो गाइस आपको अगर चाहिए है तो आप अभी के लिए समझने के लिए इतना सा फंक्शन का बना सकते हैं, बट ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आपको समझ गया है, आपको ज़रूरत नहीं है, तो मत बनाइए, ये बना लीजिए और अलग अलग इनपुट के अलग अलग आउटपुट्स आप लिख लीजिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेक्चर बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है बेटा, सिर्फ मैं फंक्शन समझाना चाहता था आप लोगों को। चलिए अब मेरे साथ क्वेश्चन लिख दिए, लिखिए फॉर द फंक्शन या पॉलिनोमियल, कुछ भी हो सकता है लिखा, फॉर द या पॉलिनोमियल लिख देते, फॉर द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x² + 3x - 3, फाइंड इट्स वैल्यू एट, अब मैं दो तीन इनपुट दे रहा हूँ, वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू -1, सेकेंड एक्स इज इक्वल टू 0, थर्ड एक्स इज इक्वल टू 1। ये कुछ तीन है, तो अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमें पता है एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा 5x² + 3x - 3, तो मैं अगर पहला वाला सॉल्व करूँ तो मुझे एफ ऑफ -1 चाहिए, मतलब हर एक्स जगह पे -1 डालूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा सर। अभी देखो बेटा कभी पहले ना ब्रैकेट को अच्छे से सॉल्व कर लेना, एक्सपोनेंट वाले, -1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, ये हो गया -3, हो गया -3, 5 - 3 - 3 अब हो गए -1, तो एफ ऑफ -1 कितना हो गया, -1 हो गया, ठीक है। सेकंड क्या था सर हमारा, एफ ऑफ 0 था, तो हर एक्स जगह पर क्या डाला मैंने, 0 डाल दिया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई अगेन, ये हो गई -3। थर्ड क्या था मेरा, एफ ऑफ 1 था, 5 × 1 का स्क्वायर + 3 × 1 - 3, 5 + 3 - 3 ये इक्वल टू 5 हो गया। तो बेसिकली मेरा एफ ऑफ 1 की वैल्यू 5 आ गई। ऐसे कोई भी नंबर जो आप निकाल पाओगे, समझाए क्या हुआ है। तो एक काम करो, पहले तो मेरे लिए ये वाला आप क्वेश्चन कर दो, अपने आप से ही करना बेटा, कॉपी मत कीजिएगा इस क्वेश्चन को, यानी आंसर को कॉपी मत कीजिएगा, क्वेश्चन आप प्लीज आप कॉपी कर लीजिए, फिर आंसर अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए गाइस रिज्यूम करते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देता हूं, आप अपने आप करिएगा। फॉर द पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स, कोई बड़ी बात थोड़ी है, जी ले लिया नाम हमने, जी ऑफ एक्स, चलो अपन वेरिएबल भी चेंज करते, जी ऑफ टी लिख लेते, जी ऑफ टी इज इक्वल टू 5t - 2t², फाइंड द वैल्यू एट, फर्स्ट लिख दिया मैंने क्या, t = 2, सेकेंड है t = a, थर्ड है t = -π। तो ये सब कुछ क्या है, चिल मारो तुम, करो समझ में आएगा धीरे धीरे, तुम अपने आप एक अटेम्प्ट तो करो इस चीज को, एक क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर लो पॉज करके। चलो आई एम प्रिटी श्योर आपको पहला वाला तो अच्छे जम गया होगा, तो पहला वाला एक बार कर लेते हैं। तो जी ऑफ टी क्या था हमारा, 5t - 2t² था। अब हमको जी ऑफ 2 निकालना है, ये पहले वाले को सॉल्व करा था बेटा मैं, ठीक है ना। तो देखिए 5 × 2 - 2 × 2 का स्क्वायर,
फाइव इंटू टू तो हो गया मेरा 10, माइनस 2 इंटू टू का स्क्वायर मेरा 4 हो गया, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, तो जी ऑफ 2 तो मेरा 2 आ गया। अब बेटा सेकेंड वाला मस्त था, सेकेंड क्या था, जी ऑफ ए निकालना था। बेटा कुछ नहीं, हर टी की जगह पे इनपुट जो दिया है वो डाल दो। सर क्या दिया है इनपुट उसने, सर 5 इंटू ए माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है, तो अभी कितना हो गया, 5a माइनस 2a² सर आगे क्या, बस खत्म, था इतना ही क्या। हाँ बेटा ठीक है सर, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला कुछ है जी ऑफ माइनस पाई, तो फिर हर किसकी जगह पे, हमें हर टी की जगह पे क्या डाला है, माइनस पाई डाला, 5 इंटू माइनस पाई माइनस 2 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर, तो सर वो कितना हो गया, माइनस 5 पाई माइनस 2 इंटू पाई स्क्वायर हो रहा है, मतलब क्या, माइनस 5 पाई माइनस 2 पाई स्क्वायर, तो ये भी मेरी वैल्यू आ गई। समझा ये चीज़ क्या हुआ है। तो बेटा ये वाला भी एक बार आप फट से जो जो आपके नहीं मैच हुए थे वो वाले आप अपने आप से कर लीजिए। चलो ठीक है सर, ये भी हो गया। बेटा इसी को अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मुझे अगर करना है ना बेवजह का, देखो ये वैसे पूछने के चांसेस अगेन कम होते हैं, बट आपको समझ जाएगा कि मान लो मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ भी रैंडम बोल रहा हूँ मैं, मुझे दिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, मुझे उसे मांगा है एफ ऑफ ए प्लस 2, बताओ ऐसा अजीब सा मांग लिया। वैसे आप लोग देखोगे नहीं अपनी एनसीईआरटी में, बट स्टिल मैं आपको सिखा देता हूँ, कुछ नहीं करना है, हर एक्स जगह क्या डालना है आपको, ए प्लस 2, तो ये क्या जगह ए प्लस 2 का, फिर ये स्क्वायर, देखो ये एक्स जगह पे ए प्लस 2 आया, ये स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर आया बेटा, ठीक है ना, तो ए प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू ए प्लस 2 और ये प्लस 2। अब ए प्लस 2 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता है ना, जगह ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 प्लस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी 5a प्लस 10 प्लस 2, अब जो लाइक टर्म से ऐड हो गए ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस 16, तो एफ ऑफ ए प्लस 2 की वैल्यू भी मेरी आ गई। अगेन पूछने के चांस कम है, बट आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए बट ऐसे क्वेश्चन के लिए भी, श्योरली आपको 11th में तो आते ही है वाले, तो आपको तब काम में आ जाएगा, पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा आज का लेक्चर बड़ा सिंपल सा है, ठीक है क्वेश्चन देख लीजिए। फॉर द पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ माइनस, सॉरी पी ऑफ माइनस 1, मतलब कुछ भी नहीं है बेटा इस बार, उसने लिखने का तरीका अलग दिख दिया है। अपने को पिछली बार क्या था, एट एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू माइनस 1 था, इस बार उसने लिखने के लिए ऐसा लिख दिया कि पी ऑफ 0 मतलब एक्स की वैल्यू 0 डालो, पी ऑफ माइनस 1 मतलब एक्स की वैल्यू माइनस 1 डालो, और पी ऑफ 1 मतलब एक्स की वैल्यू 1 डाल दो, ठीक है सर। अब देखो पी ऑफ 0 क्या हो जाएगा मेरा, 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2, मतलब आंसर माइनस 2 आएगा। पी ऑफ 1 कितना हो जाएगा सर, 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2, मतलब 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 हो रहा है, और पी ऑफ माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 2। अब देखो माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, ये हो गया माइनस 3, ये हो गया माइनस 2, 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 हो चुका है, माइनस 2 माइनस 2 हो चुका है माइनस 4, आ गया बेटा मेरा आंसर। देखो इसी क्वेश्चन को और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के ना मस्ती में वो कुछ आपको ऐसा भी पूछ सकता था कि ये भी क्वेश्चन लिख, एक काम करो चलो पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर जेन्युइनली लास्ट क्वेश्चन में करा देता हूँ, ये वाला फट से आप कर लो। अब देखो जो लास्ट एक ऐसे ही जो कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, वो फॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ माइनस 1 अपॉन पी ऑफ 0, कुछ तो भी रैंडम, कुछ तो भी रैंडम। देखो अब क्या है, आपको पहले पी ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको पी ऑफ माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको पी ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है। चलो ठीक है सर, आप जैसा बोल रहे हो वो सब चीज़ें निकाल लेते हैं हम लोग। अब देखो पहले तो पी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 सर वो हो जाएगी 3, पी ऑफ माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, हो जाएगी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2, मतलब वही 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, पी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 2, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है सर आपने,
आपने हमसे पूछा है पी ऑफ वन प्लस पी ऑफ माइनस वन अपॉन पी ऑफ जीरो पूछा है, वो क्या हो जाएगा, पी ऑफ वन की वैल्यू है थ्री, पी ऑफ माइनस वन की वैल्यू भी है थ्री, अपॉन पी ऑफ जीरो की वैल्यू है टू, तो 6/2 विच इज इक्वल टू 3, खत्म, आ गया आंसर, समझा बेटा ये क्या है। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन भी कर लो, यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं। बेटा बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको जब भी एक्सपोनेंट मिल जाए पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व करना है। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ जाता है, पर फालतू की कैलकुलेशन मिस्टेक्स बच्चे बहुत करते हैं, तो हमें उसे करना है प्रिवेंट, ठीक है। तो ये इसको पॉज कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, और जो होमवर्क मिलेगा वो भी अच्छे से सॉल्व करके मुझसे होमवर्क अपना डिस्कस कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू गाइस।